चलिए बच्चों आज हम जानते हैं कि वाई एच टू एस ओ फोर इज स्ट्रॉन्ग एसिड वाई एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। तो एच टू एस ओ फोर स्ट्रॉन्ग एसिड है क्यों? इट डिसोसिएट्स कम्प्लीटली, क्योंकि ये कम्प्लीटली क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जैसे ही आप इसको एक्वस फॉर्म में बदलेंगे ये आयन्स में क्या हो जाएगा, इस तरह से कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड जब आयन्स में डिसोसिएट होगा तो ये जो आयन्स हैं ये रिकम्बाइन करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कभी भी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। कैसे डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, और इसीलिए क्या है, वीक एसिड है, जबकि एस टू एस ओ फोर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों ध्यान से आप इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि एसिटिक एसिड के केस में ये फॉरवर्ड में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी जा रहा है। दैट्स द बिग डिफरेंस। थैंक यू।